মাস আগে আমাকে একটা সেট দিয়ে গিয়েছিল, সেটটা ডুপ্লিকেট স্লিপ ডুপ্লিকেট ফোন দিয়ে গিয়েছিল। আমি ভেবেছিলাম ফোনটা নেটওয়ার্ক প্রবলেম আছে, তো হয়তো ঠিক হয়ে যাবে। অপো কোম্পানি দিয়ে গিয়েছিল, অপো সার্ভিস সেন্টারে পাঠিয়েছিলাম, ওখানে হয়নি সেটটা। তারপরে আজকে কিছুক্ষণ আগে এসেছিল, ওই সেম একদম একটা ছেলে একটা মেয়ে আছে, অন্য ছেলে অন্য মেয়ে এসেছিল, সেম সেট নিয়ে সেম পেপার নিয়ে এসেছিল। আসার পরে ওদেরকে ধরলাম যে তোমাদের কোনো নেটওয়ার্ক করো, তোমাদের ফোনের নেটওয়ার্ক আসছে না কেন, আসবে দেখো আমাদের সিমে আসবে, কারণ ঠিক আছে আমার সিমে আছে, আমার সিমে দেখাও, দেখাতে পারলো না। তারপরে আমি আক্রমণ কাছে শুনলাম যে ওইখানে একটা আরেকজন লোককে এক সপ্তাহ আগে একটা সেট দিয়ে গেছে, সেম সেট 5-6 হাজার টাকা নিয়ে পড়ে। তখন আমি আক্রমের কাছে গেলাম, আক্রমের কাছে গিয়ে বললাম যে এরকম এরকম ব্যাপার, আমাকে একটা সেট দিতে হয় যাওয়ার। তখন লোকটাকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। কি নাম আপনার? আমার নাম খগেন ঘোষ। এক লেডি ফর গোদি মে এক বাচ্চা থা, ও লেকার আই আর আকার বলি কি ইয়ে মোবাইল হমকো এক বেচনা হ্যায়, বেচ কর হম গাঁও যায়েঙ্গে, মেরে পাস পয়সা সব কুছ ভি নাহি হ্যায়। তব দিখায়া ও মোবাইল, দেখে অপো কা মোবাইল ভি থা আর উসকে পাস বিল ভি থা, তো হম বোলে বিল দিখাও। तब बिल दिखाई, यूपी का बिल था और उसका डॉक्यूमेंट भी देखे यूपी का ही था। तब उनको कहे कितना बेचना है, तो बोली 10,000। तब वो 18,500 का मोबाइल था, हम बोले चलो कम करके दे देंगे। तब उसको हम बोले 5,000 में हम दे सकते हैं, तो वो बोली ना हा करके वो 6,000 तक डन हो गया है। वो मोबाइल हम लिए, और मोबाइल लेने के बाद में हम देखे उसका कैमरा वैमरा भी सही नहीं था। तब दिखाए भी एक आदमी को, तब वो बोला कैमरा सही नहीं है। तब देखे पीछे में स्क्रैच उस्क्रेच, तो हम सोचे स्क्रैच के लिए हो रहा होगा, फिर भी हम ले लिए। हम बोले पैसा दरकार है आगे आदमी को, चलो वो अपना घर चल जाएगा। आप क्या हो रहा है देख रहे कि मोबाइल वो हम चेक कर रहा है दुकान में, उसमें जियो का सिम भी सपोर्ट नहीं कर रहा है और कोई भी सिम सपोर्ट नहीं कर रहा है, और यूट्यूब कुछ भी नहीं कर रहा है, और मोबाइल भी डुप्लीकेट निकला है, चाइना कंपनी का एक दुकान में दिखाया। तो आपको क्या ब्रांडेड कंपनी बोल के बेचा? ब्रांड ही बोला, वो 18,500 का जब बिल दे रहा तो ब्रांड ही बोलेगा। तो आपको कब बेचा वो? हमको बेचा मोटा मोटी आज से वही 4-5 दिन, 7 दिन का लगभग हो गया है। तो आज क्या हुआ था? आज कुछ नहीं, आज उसी तरह केस एक आया है, और एक लेडीज उसी तरह कोई डुप्लीकेट मोबाइल ही बेचने के लिए आई थी, वो पकड़ा गई यहाँ पे और बोले कि मेरे जो मोबाइल का भाई 6,000 रुपया लिया है, अब हम मोबाइल तो बेकार हुई है, हम चाहते हैं कि मेरा मोबाइल जो भी है 6,000 रुपया मिल जाए और कुछ नहीं। क्या नाम आपका? नौशाद अंसारी। और खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए एएनएम न्यूज़, बेल आइकन दबाकर रहिए सबसे आगे।